नमस्कार सत श्री अकाल सलाम अलैकुम कुमनो महाराष्ट्र मुंबई सिटी मैं हूँ आपका प्यारा राजकुरी। मैं आज कोविड-19 का बारे में वीडियो बनाना चाहता हूँ। जिस तरह एक वायरस निकला चाइना से सब लोगों को पता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जैसा कि आप लोग घर से सुबह में काम का लिए निकालते हो फिर शाम को जब लौटते हो मेक श्योर कि आप लोग घर का बाहरी कपड़ा उपड़ा निकालिए, डेटॉल से नहाइए, नहाने के बाद घर का अंदर जाइए। क्योंकि कभी कभी छोटा छोटा बच्चा होता है, क्योंकि भाई यार मेरा दोस्त कभी आप लोग को तकलीफ हुआ तो आपका बीवी बच्चा को भी तकलीफ हो सकता है, इसमें कोई दूर आई नहीं है। और जैसा कि सैनिटाइजर आप देख रहे हो तो बहुत बड़ा है, लेकिन आप लोग छोटा वाला सैनिटाइजर अपना पॉकेट में रख सकते हो। ऑल द टाइम सैनिटाइजर करें, क्योंकि आप लोग हजारों लोगों से मिलता है डेली। दूसरा चीज जैसा कि कंपाउंड है, कंपाउंड में लोग बहुत सारा लोग आते हैं, दोस्त आता है, यारी आता है। मैं ये भी कहूँगा इस जो टाइम है पार्टी शार्टी का टाइम नहीं है, आप लोग अपना फैमिली का साथ टाइम स्पेंड कीजिए काम करने का बाद, क्योंकि आपको ये पता नहीं कि पार्टी शार्टी होगा किसको क्या बीमारी है, उसमें बहुत तकलीफ होता है। और मैं जितना भी हिंदुस्तान लोग देख रहा है कि कंपाउंड में आप लोग पार्टी शार्टी मत कीजिए, गेट टुगेदर मत कीजिए, क्योंकि आप लोग बोलेगा कि चल ना इतना दिन हो गया, चल आज थोड़ा दारू पी लेते हैं, थोड़ा पार्टी कर लेते हैं। लेकिन आपको पता है एक पार्टी का वजह से आपका परिवार को, आपका बच्चा को, आपका बीवी को बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, कोई आपको बच्चा नहीं आएगा। आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जब कोविड-19 जब आपको कोरोना पॉजिटिव पाया जाएगा ना, मैं सब डॉक्टर के बारे में खराब नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ ऐसा है आपको कोई अपना ही लोग देखने नहीं जाएगा। डॉक्टर तो अपना काम करेगा, क्योंकि डॉक्टर अपना माता पिता का जैसा है, लेकिन आपका परिवार ही आपको देखने नहीं जाएगा। ये सच्चाई में बता रहा हूँ, क्योंकि जब कोविड लोगों को पता चलता है ना, कोई दारू पीने का ले, पार्टी करने का ले, सब आपके पास आएगा। जब आप इस तरीके का आपको पॉजिटिव मिले को कोई आपको साथ नहीं आएगा। तो मैं यही सारा कंपाउंड को बोलूँगा कि आप लोग बाहर का लेकर लोगों को मत लेके आइए, आप लोग अंदर है अंदर रहिए। और कुछ लोगों को मजबूरी है जो काम पर जाना पड़ेगा, फैमिली पढ़ना है, जाइए। जिस तरह मैंने बोला कि आके फिर बाहर में कपड़े उतार के डेटॉल से आप लोग नहाइएगा, नहाने के बाद फिर घर पर घुसिएगा। दूसरा चीज मैं साथ ही साथ डॉक्टर लोगों को भी, मैं आज जैसा कि हम लोग बैन से राखी बांधता हूँ, मैं डॉक्टर लोगों को बोलता कि असली बैन नहीं, असली हीरो तो आप लोग भी है, जो आप लोग इस तरह अपना जान में खेलवाड़ करके हम लोगों को बचा रहा। सिस्टर लोग मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग इस तरह कोविड-19 का खिलाफ लड़ रहे हो, आम आदमी का पास जा रहे हो। हम लोग को तो कभी सोचा नहीं था कि ये ऐसा बीमारी आएगा, लेकिन मैं टीवी में देखता हूँ, आप लोग को देख के बहुत खुशी मिलता है, क्योंकि आप लोग घर नहीं जाते, कोई महीना महीना हॉस्पिटल में सूते हो, आप लोग हम लोग का जान बचा रहे हो। लेकिन इसी तरह मैं आम पब्लिक को भी लूँगा, जिस तरह डॉक्टर अपना परवाह बिना किए हम लोग को साथ साइक कर रहे हैं, तो आप लोग को भी इतना जरूरी है कि आप लोग सबका साथ मिल के डॉक्टर का भी साइक करें। कि अकेला डॉक्टर का काम नहीं है कि डॉक्टर ही सब कुछ करेगा, हम लोग नहीं करेगा, लेकिन ये हमारा भूल है। आपका भूल का वजह से बहुत तकलीफ हो सकता है, क्योंकि ये अगर जल्दी से ठीक नहीं हुआ तो शायद आप बोल नहीं सकते, बहुत साल लग जाएगा, जो बहुत तकलीफ होने वाला है। क्योंकि ऐसे ही आज वर्ल्ड में मतलब अकाल पड़ा है, आप जानते हो हर तरफ लड़ाई का माहौल है, कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकता। लेकिन हम लोग इतना तो कर सकते हैं कोविड-19 के बारे में डॉक्टर के साथ।